हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अवर क्लास सेवंथ मैथ्स चैप्टर फोर सिंपल इक्वेशंस। नाउ वी विल सी द मैथ्स चैप्टर फोर सिंपल इक्वेशन। व्हाट इज सिंपल इक्वेशंस? लेट मी डिस्कस अबाउट दैट। लेट मी राइट एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फॉर एग्जाम्पल। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया से ये लिख दिया और एक तरफ हमने लिखा एक्स प्लस ए इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो इन दोनों में से ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? दैट इज नॉट अ इक्वेशन। इक्वेशन लिखो करते हैं बट दैट इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? देखो, हमेशा इक्वेशन के पास LHS और RHS होना चाहिए। ये मस्ट है, दोनों क्या होना चाहिए? LHS और RHS होने चाहिए। दूसरा, इसके पास एक तो RHS और LHS नहीं है। ठीक है, और इसको हम सिर्फ एक्सप्रेशन बोलते हैं, दैट इज अ एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है ना कि इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है। सपोज कोई नंबर नहीं आकर हमने x प्लस एट इक्वल टू जीरो लिख दिया तो भी ये इक्वेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अगर यहाँ पर वन से कोई नंबर आगे का स्टार्ट होता है तो ही आप इक्वेशन बोलते। ठीक है, तो ये होती है इक्वेशंस। ठीक है, आपको डिफाइन तो बहुत मिल जाएगी लेकिन मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब इक्वेशंस का फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, इक्वेशन का फॉर्मेशन सम में अलग होता है, सब्ट्रैक्ट अलग होता है। एक एक एग्जांपल देता हूँ, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड फ्रैक्शन। इस तरीके से इक्वेशन होती है इन सब फॉर्मेशंस में, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सम, सम क्या होता है, होता है एक्स प्लस ए इक्वल्स टू फोर। ठीक है, सम में इक्वेशन ऐसे लिखा होता है x माइनस टू इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट में से मल्टीप्लाई में 3x इक्वल्स टू 4। ठीक है, डिवाइड में आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 1 अपॉन 2 x अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, फ्रैक्शन ऐसी के जैसा होता है, 1 अपॉन 2 x इक्वल्स टू सपोज कोई भी नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मेशंस होते हैं। इस तरीके के फॉर्मेशंस हमें इक्वेशन जब भी दिखाई दे तो हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के, इक्वेशन को सॉल्व करने के दो फॉर्मेशंस होते हैं, दो तरीके होते हैं, आप उनको रीड करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड, स्प्लिटिंग मेथड और ट्रांसपोजिंग मेथड। ध्यान से देखना, स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है? सबसे पहले अपन ये देखो, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें एक ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो x के साथ वाला जो नंबर है उसको हम क्या करते हैं, पूरी तरह डिस्प्लेस कर पाए, मतलब हटा दे। तो ये हटेगा कब? जब हम ऑन टेकिंग, ये पॉजिटिव है तो इसका उल्टा, माइनस फोर ऑन बोथ साइड। जब भी हम कोई भी चीज देंगे तो वो दोनों तरफ, या सिक्स क्लास में करके आए हूँ फिर भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सेम वैल्यू में डिफरेंट साइन कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू ये कितना बचा रहेगा। ठीक है, ये सॉल्व करने का एक तरीका हो गया। ठीक है,
है, फॉर्मेशन हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक रूल लिख के देता हूँ, यहाँ पे आप एक रूल लिख लीजिए, ट्रांसपोजिंग रूल, ठीक है, ये आपको अभी ट्रांसपोजिंग में काम आएगा। पॉजिटिव को जब हम इक्वल्स टू के उस तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव वाली वैल्यू को करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, ठीक है। तो ये रूल आप याद रखना, इस रूल से अपन ट्रांसपोजिंग मेथड पूरा कवर करेंगे। अभी अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 19 इक्वल्स टू 19। अभी अपन ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया, अभी अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम सबसे पहला काम होगा प्लस माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो हमें हटानी है, डिस्प्लेस करनी है। तो यहाँ पॉजिटिव 4 है ऑन टेकिंग माइनस 4 फोर्थ साइड 3x प्लस 4 माइनस 4 19 माइनस 4, ठीक है। इतना ध्यान से देखिए, ये सेम वैल्यू और डिफरेंट साइड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया, 3x equals to 19 में से 4 गया, कितना बचा रह गया 15। अभी ये मल्टीप्लाई में है, इसके मल्टीप्लाई का फैक्टर है, मैंने अभी आपको फॉर्मेशन बताया था, ये कैसा है मल्टीपल का फैक्टर है। तो मल्टीपल को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो सेम साइन की रहती है। तो ऑन डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, अब दोनों तरफ हम इसको कर देंगे तो 3x upon 3 equals to 15 upon 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, x equals to कितना आ गया 5। ये स्प्लिटिंग मेथड से क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अभी अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x plus 9 equals to 17, ठीक है। तो अभी अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रांसपोजिंग का ये अपन रूल लगा, तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव की वैल्यू इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाते हैं तो किसकी हो जाती है, नेगेटिव की, दैट मींस 17 माइनस 9 x इक्वल्स टू ये कितना आ गया 17 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया। एक अपन ऐसी इक्वेशन लेते हैं, suppose 2x plus 16 equals to 30, ठीक है। अभी इसको अपन ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को स्टार्ट ट्रांसपोज किया तो 2x equals to 32 minus 16 हो गया ना। अभी ये क्या हो गया, 2x equals to 32 में से 16 माइनस किया कितना बचा 16, ठीक है। अभी 2 मल्टीप्लाई में, मैंने बोला मल्टीप्लाई कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, x equals to 16 upon 2 ये कैंसिल हो गया, कितना बचा है तेरा, सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्ट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं देखिए, सपोज हमें गिवन है x equals to 2, ठीक है, और हमें इस पे 3 इक्वेशंस, डिफरेंट इक्वेशंस बनाने हैं, तो अपन क्या करेंगे कि 3 डिफरेंट इक्वेशन, इक्वेशन में पता है LHS RHS दोनों होने चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात। तो अपन क्या करेंगे, एक एक फैक्टर ले लो कुछ, आप पहले क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड 5 बोथ साइड, ठीक है। तो x इसमें करेंगे तो x plus 5 equals to 2 plus 5, x plus 5 equals to 7, ये की equation होगी। देखो LHS भी है, RHS भी है, variable भी है, coefficient भी है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। तो एक equation ये होगी, ऐसे ही आप x equals to 2 में आप subtract करो, subtract to 4 both side, and x minus 2 equals to minus 2 minus 4, x minus 2 equals to minus 2, ये भी इक्वेशन हो गया। अब आप एक बार मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, 4 into x equals to 2 into 4, 4x equals to 2, एक ये भी इक्वेशन है। तो ऐसे ही जितनी भी आपको इक्वेशंस रिक्वायर्ड हो आप उतने ही
क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही नंबर लो, आप अपने मन से कोई सा भी एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सिंपल इक्वेशन टॉपिक समझ में आया होगा, मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का, ठीक है। जिस तरीके से आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मैंने उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, आपको समझाया है। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है फिर देन आस्क मी एनी टाइम। और ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने एक्सरसाइज के बेस पे मैंने आपको ये समझाया इंट्रोडक्शन में कि जितने भी एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो वर्ड प्रॉब्लम में आएगी। वर्ड मतलब एक लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा होगा उसको क्या है पहले आपको क्या करना है इक्वेशन में चेंज करना है, पहले इक्वेशन बनानी है फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे मोस्टली ज़्यादातर इक्वेशन ही ड्राइव करनी है, सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और फिर आगे एक्सरसाइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी आपको क्या करना है उसके साथ साथ इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।